क्वेश्चन नंबर फाइव श्रीमती अपराजिता सारंगी। क्वेश्चन नंबर फाइव सर। ऑनरेबल मंत्री जी, सदन के पटल पे रखा गया है श्रीमान। माननीय सदस्य। स्पीकर सर, प्रमोटिंग लाइब्रेरीज इज क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014 एंड द मेन इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम वॉज टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी टू नॉलेज एंड रिसोर्सेज अक्रॉस इंडिया। Since 2014, the year in which this scheme was grounded, till today, we would like to know as to what kind of initiatives have been taken by the Government of India, the Ministry of Culture, to raise awareness among the people regarding the benefits of the scheme, and what is the nature of the community engagement and the community outreach. I would request Honorable Minister Culture to enlighten us. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज जीवन से जुड़े हुए और व्यक्ति के जो है जीवन में जुड़ी हुई शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी एज पर सेवन स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट का सब्जेक्ट होने के नाते प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को इसके साथ में जोड़ना, लोगों की लाइब्रेरी के साथ में जुड़ाव हो, लोगों का अध्ययन करने की अध्ययनशीलता बढ़े, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जन जागरण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों के साथ में है। भारत सरकार नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के माध्यम से राज्यों को उनके इस एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए धनराशि और संसाधन मुहैया कराती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि लाइब्रेरीज के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न लाइब्रेरीज को स्टेट्स में ग्रांट सप्लीमेंट करके राज्यों के द्वारा किए गए निवेश के अनुरूप ग्रांट सप्लीमेंट करके वो अपने यहाँ पर लाइब्रेरी एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकें, रीडिंग मटीरियल को बढ़ा सकें, इसके लिए समुचित प्रावधान किए गए। और इसके साथ साथ में नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी सेटअप करके जिस वर्चुअल लाइब्रेरी में हमने लाखों की संख्या में पुस्तकों को उपलब्ध कराया ताकि लोग आज के इस तकनीकी के युग में अधिकतम लोग उसका लाभ उठा सकें। मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यगण जितने भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब अपने क्षेत्र में जिस तरह से लाइब्रेरीज को, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज को स्ट्रेंथन स्टेट ने किया, भारत सरकार के एफर्ट से किया है, कुछ जगह पर ग्रामीण लाइब्रेरीज को भी हमने स्ट्रेंथन किया है, स्टेट लेवल लाइब्रेरीज को भी स्ट्रेंथन किया है, उसके बारे में अधिकतम जागरूकता अगर अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे तो निश्चित ही उसके माध्यम से हम लाइब्रेरीज को कब तक लोगों को पहुंचाने में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप सब नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज विथ डाइवर्स ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ नॉलेज। I would request Honorable Minister Culture to tell us as to how is the national mission on libraries helping the preservation and dissemination of traditional systems of knowledge. एक नया मेंबर का प्रश्न आ रहा है इसलिए मैंने उसको पूछा लूं, फिर एक साथ जवाब देना। डॉक्टर राजीव भारद्वाज। आदरणीय मंत्री जी का जो वक्तव्य सुना मैंने, क्वेश्चन नंबर पांच। आपको प्रश्न नंबर नहीं बोलना, आपको तो प्रश्न पूछना है, आप तो प्रश्न पूछे हैं, नए मेंबर जो होता है ना उसका प्रश्न होता है, उसको पूछते हैं। मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में संस्कृति मंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये दो जिलों में विभक्त है, जिला कांगड़ा और चंबा, इसके संदर्भ में मुझे ये पता करना है कि मेरे क्षेत्र में इस लाइब्रेरीज कितनी लाइब्रेरीज हैं और उनके संदर्भ में कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र में, स्पेसिफिक लोकसभा क्षेत्र में कितनी लाइब्रेरीज हैं और उन पर कितना धनराशि मुहैया कराई गई है। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी
राज्य सर, राज्य में एक राज्य में एक लाइब्रेरी और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी बनाने के लिए जो फंड देती है, उसके अतिरिक्त भी जो जो छोटी लाइब्रेरीज ग्रामीण स्तर पर बनती है, मैं खुशी के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश ने, जो इतना छोटा प्रदेश है, उसने अपने रूरल लाइब्रेरीज को अपग्रेडेशन के लिए लगभग 800 से ज़्यादा लाइब्रेरीज को भारत सरकार ने जो है वो धनराशि मुहैया कराई है। माननीय सदस्य ने जो अपने जिले के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, वो स्पेसिफिक जानकारी माननीय सदस्य यदि मेरे कार्यालय से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आप ही दे देना उनको। दादा आप नहीं हो तो सदन अच्छा नहीं लगे। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई।